हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लाई हूँ स्पायरल तोरण की लड़ी। स्पायरल डिज़ाइन में तोरण की लड़ी जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर लगती है और दिखने में बहुत ही प्यारी। देखिए, इस तरह से हम स्पायरल तोरण लड़ी बनाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको इसको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर बनने वाली है। ये देखिए, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से आप इस लड़ी को बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तोरण पट्टी हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर हम 5-6 हम यहाँ पर 8 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लिया, चेन ले ली है। 8 चेन लेने के बाद 1, 2 तीसरी चेन में हम धागा इस तरह से करेंगे और डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। बाकी सभी चेन में से हम डबल क्रोशिया निकालें। इसमें आप तोरण पट्टी अपने किसी भी डिज़ाइन में ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तोरण पट्टी बनाया है, इससे ये बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पर 2 चेन इस तरह से, और नेक्स्ट में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे। सभी में से हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन पलट लेंगे, सभी चेन में से डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। लास्ट में भी एक बार निकालेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ये पट्टी पूरी तैयार करनी है लास्ट तक। तो हमने यहाँ पर ये पट्टी तैयार की हुई है। ये देखिए, ये हमने पट्टी तैयार की हुई है। तो हम लास्ट तक ये पट्टी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम जब यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ लास्ट में आएंगे, तो हमें यहाँ पर धागा तोड़ना नहीं है। लास्ट में पहुँचने के बाद हमें यहाँ पर चेन बनाना है। देखिए चेन कैसे बनाना है। चेन हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर चेन के लिए धागा छोड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हम चेन बनाएंगे सादा। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से। आप जितनी लंबी चाहें उतनी चेन बनाइए। तो ये मेरी 50 चेन में बनी हुई है। आप चाहें तो जितनी बढ़ा सकते हैं, लंबा आप जितने तोरण लड़ी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम 50 चेन यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। हम 50 चेन ले लेते हैं ये मैंने 50 चेन ले ली हैं सारी। अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 तीसरी चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। ये हमने तीसरी चेन में डबल क्रोशिया निकाला है। इसमें हम एक बार और डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी में हमें एक बार और डबल क्रोशिया निकालना है इस तरह से। अगर आप ये पॉम आप इसमें लगाना चाहते हैं, या फिर सिंपल लड़ी लगाना चाहते हैं, या कोई मोती ज्वाइंट करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। तो अगर आपको ये पॉम लगाना है तो वो अलग से बना के आपको टाँकना पड़ेगा। और इसके साथ आप इस तरीके से आप लड़ी बनाकर भी लगा सकते हैं।
इस तरह से आप इसको काट दीजिए और धागा लीजिए दूसरा ऐसे। अब इसको हम इसमें फंसा लेंगे क्रोशिया के हुक में। ये हमें धागा निकालना नहीं है, इसमें पीछे की साइड रखना है और इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए इसको हमें बाद में डालना है, आप निकाल दीजिए। उसके बाद हम इसको इस धागे से बांधें, एक बार ऐसे करने के बाद बैक साइड से ले जाकर इसको बांध दीजिए। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपने में बताया हुआ है ये किस तरीके से बनाना है। क्रोशिया में बनाकर साथ के साथ लगाने में बहुत आसान होता है, इसको बाद में टांकना नहीं पड़ता है। इस तरह से आप साथ के साथ इसको टाँकते जाएंगे तो आपको अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, सुई धागे का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसको इस काट के हम सेम साइज़ का कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद हमें जो ये धागा है हमारा चेन है, यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से निकाल देना है इस तरीके से, तो हमारा साथ के साथ ये लगता जाएगा। ये ऐसे करके इसको टाइट खींच के इसको हम यहाँ बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, तीन चेन लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ तीन चेन ली है, ये देखिए हमारा साथ के साथ ये लग चुका है। और अगर आप पोंपोन बनाएंगे तो मैंने अपनी वीडियो में पोंपोन बनाने का मेथड भी दे रखा है किस तरह से बनाना है, तो आप इस तरह से अलग से टांग भी सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन चेन ले ली हैं। हमारा नेक्स्ट वाला है ये, इसमें से हमें डबल क्रोशिया निकालना है दो बार, एक बार डबल क्रोशिया और ये दो बार डबल क्रोशिया। इसके वाली नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें से हमें दो बार डबल क्रोशिया निकालना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सभी चेन में से दो बार डबल क्रोशिया निकालते जाना है लास्ट तक, जहाँ तक हमारी चेन है वहाँ तक हम डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। हर चेन में से दो बार डबल क्रोशिया निकालना है। ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ कि जब हम डबल क्रोशिया निकालते हैं तो इसमें स्पाइरल बनता जाता है। देखिए अभी से मुड़ने लगाई, ये देखिए इस तरह से अभी से मुड़ने लगाए डबल क्रोशिया, इसमें एक में से दो बार हर चेन में से। एक में से दो बार इस तरह से, ये देखिए इसको हाथ से थोड़ा सा आप ऐसे रोल कर दीजिए, उसके बाद ही अपने आप आकार लेता जाएगा। और आप इसको अलग से टांकना चाहें तो अलग से भी टांक सकते हैं इस स्पाइरल बनाने के बाद। एक में से दो बार डबल क्रोशिया इस तरह से आप पूरा इसको कर लीजिए और अपने हाथ से थोड़ा सा इसको घुमाते जाइए तो ये अपने आप आकार ले लेगा। उसके बाद फिर ये वैसा ही रहता है। इस तरह से आप इसको करते जाइए तो ये देखिए इसी तरह से आपका अपने आप घुमाव लेता जाएगा। तो मैं लास्ट में करके बताती हूँ लास्ट तक पहुँचे कि कैसा दिख रहा है। ये देखिए लास्ट तक बन गई है, तो इस तरह से हो जाती है ये। तो उसको आप इस तरह से अपने हैंड से इस तरह से इसको आप फोल्ड कर दीजिए तो फिर ये ऐसा के ऐसा रहता है। इस तरह से आपकी स्पाइरल केबल स्पाइरल तोरण तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ इस तरह से जितना बड़ा ये यहाँ आ रहा है वहाँ पर उसी जगह पर इसको ज्वाइंट कर दीजिए।
डबल क्रोशे जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक आप इसको ज्वाइंट कर दीजिए। उसके बाद जितनी दूरी पर आपको ये लगाना है उतनी दूरी पर हाफ क्रोशिया से आप स्पेस बना लीजिए इस तरह से। उसके बाद से फिर से हम यहाँ पर चेन शुरू करेंगे और इसी तरह से जिस तरह से हमने ये बनाया है अपनी स्पाइरल तोरण बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी स्पाइरल तोरण तैयार है। तो मेरी वीडियो क्या आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आप व्यूज़ तो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आगे अच्छी अच्छी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल के फैमिली मेम्बर ज़रूर बनिए, सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। और इसी तरह के कम टाइम में बनने वाले तोरण मैं आपके लिए डिज़ाइंस लाती रहूँगी। इसलिए तो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सबको थैंक यू, बाय बाय।